Hello students, welcome to my classes. In this video, I will discuss about chapter 3, class 10th, subject computer application. Okay? Chapter 3 is that HTML first, basic HTML elements. In this video, we will discuss a topic nested list. Okay? What is nested list? List contained in another list is known as nested list, or simply we can say that a list inside list is known as nested list. Clear? List ke andar koi agar aap list create karte ho ek aur others, it's called nested list. Both lists ordered and unordered can be nested together. List आपके order भी हो सकती है, unordered भी हो सकती है. जैसे कि आपने लिया flowers name, one per rose, और जो उसकी sub list होगी उसमें आप unordered में दे सकते हो red rose, pink rose and white rose, others. Okay? This can be done by writing an entire OL or UL under li tag. Note, unordered list nested within a unordered list. Unordered list nested हो सकती है एक और unordered list के साथ. Similarly, unordered list nested within ordered list. And order list nested within order list. Okay, done. Syntax. How can write a nested list in HTML program? Write a OL. OL stands for order list. ओके ओएल क्या है ऑर्डर लिस्ट टैग है एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए नेस्ट एल आई लिस्ट आइटम फर्स्ट लिस्ट है आपकी ओएल उसका एक लिस्ट आइटम फर्स्ट हमने एल आई बना लिया सेकंड लिस्ट आइटम ओके एंड सो ऑन जितने जो फर्स्ट लिस्ट आपकी हो उसके जितने भी आपको लिस्ट आइटम बनाने हैं आप यहाँ राइट करेंगे आफ्टर दैट राइट यू एल टैग इट इज़ यूज फॉर एन अदर लिस्ट ये दूसरे लिस्ट के लिए यूज़ किया है बट मैंने अभी आप देख रहे हैं ओ एल टैग को क्लोज नहीं किया है ओके तो जो फर्स्ट लिस्ट के ओपन जो आपने किया है ओ एल टैग उसे लास्ट में क्लोज करते हैं ठीक है देन एल आई लिस्ट आइटम फर्स्ट ये सेकेंड लिस्ट यू एल के लिए यूज़ किया जाएगा सिमिलरली एल आई सेकेंड लिस्ट आइटम एंड सो ऑन जितने भी इसके लिस्ट आइटम है आप यहाँ राइट कर सकते हो आफ्टर दैट क्लोज द यू एल टैग जो यू एल टैग है उसे आप क्लोज कर देंगे ओके क्लियर है देन क्लोज ओ एल टैग ओ एल इज द फर्स्ट लिस्ट यू एल इज द सेकेंड लिस्ट ओ एल अपर लिस्ट एंड यू एल इज द इनसाइड लिस्ट इसके अंदर एक ये लिस्ट है ओके डन इट इज द सिंटैक्स The following type will show you different nesting lists. Type first nesting of unordered list. Second type nesting of order list. And third type combining and nesting of order and unordered list. क्लियर है फर्स्ट टाइप में क्या है हम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे एक से ज़्यादा भी लिस्ट बना सकते हैं अनऑर्डर और सेकंड टाइप में जो आपके टाइप है नेस्टिंग ऑफ ऑर्डर लिस्ट में उसके ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे ओके एंड थर्ड टाइप आपका कंबाइंड माने जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके साथ ऑर्डर लिस्ट को भी कंबाइंड कर सकते हैं ओके
तो लेट इट डिस्कस वन बाई वन. ओके, टाइप फर्स्ट नेस्टिंग ऑफ अनऑर्डर लिस्ट. यू विल नोटिस दैट व्हेन यू नेस्ट यूएल अंडर अनदर यूएल टैग द बुलेट्स विल चेंज ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ नेस्टिंग. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल राइट एन HTML कोड शोइंग नेस्टिंग ऑफ अनऑर्डर लिस्ट. सॉल्यूशन, दिस. ओके, सबसे पहले आपको क्या वर्क करना है. इफ यू हैव अ कंप्यूटर एट होम, अगर घर पर आपके पास सिस्टम है तो उसमें नोटपैड ओपन करना है और जो कोडिंग मैंने आपको डिस्प्ले कर रखी है इस पर, ओके, ये कोडिंग सेम आपको नोटपैड पे राइट करनी है. सबसे पहले आपको एस्टिमेट राइट करना है, फिर हेड टैग राइट करना है, आफ्टर दैट टाइटल. टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसे जो आप देना चाहो. मैंने यहाँ पर दे रखा है यूज ऑफ नेस्टिंग लिस्ट. टाइटल को क्लोज कर दिया है मैंने. और बॉडी, बॉडी टैग में मैंने जो उसका वेब पेज का कलर दिया है येलो दिया है, बीजी कलर. बीजी स्टैंड फॉर बैकग्राउंड कलर. ओके, येलो दिया है. आप कोई सा भी कलर दे सकते हो जो आपका फेवरेट हो, पिंक और ब्लू, रेड एंड अदर्स. ओके, H1 मैंने यूज़ किया है फॉर हेडिंग टैग. H1 किसके लिए यूज़ किया है? हेडिंग टैग. यूज ऑफ नेस्टिंग अनऑर्डर लिस्ट, हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है? नेस्टिंग अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करना है. H1 में मैंने फिर एक और दिया नेम ऑफ फ्लावर्स. नेम ऑफ फ्लावर, हमें फ्लावर्स के नेम लिखने हैं. और नेस्टिंग लिस्ट कौन सी यूज करनी है? अनऑर्डर करनी है. तो उस अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? UL टैग. UL टैग. तो देन H3 में मैंने पूरी कोडिंग को UL टैग के आगे H3 लगाया है. तो UL टैग के बाद मैं H3 को क्लोज करूँगा, जिससे मेरे जो टैग्स, जो UL टैग में जो भी मैं लिखूँगा वो थोड़ा डार्क आए और थोड़ा बड़ा हुआ है. ओके, H3 यूज़ किया है. UL में टाइप मैंने क्या दे दिया फर्स्ट लिस्ट का? डिस्क. क्लियर है यहाँ पे? फर्स्ट लिस्ट का टाइप क्या दे रखा है? डिस्क. LI रोज, फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट लिस्ट आइटम है रोज. अब रोज के अंदर मैंने एक और कैटेगरी बना दी UL टाइप की, स्क्वायर. उसका टाइप कैसा है? स्क्वायर है. उसका लिस्ट आइटम फर्स्ट क्या है? रेड रोज. सेकेंड लिस्ट आइटम क्या है? येलो रोज. थर्ड लिस्ट आइटम है पिंक रोज. और UL को क्लोज कर दिया. क्लियर है? UL स्टार्ट किया और UL क्लोज कर दिया. फर्स्ट जो UL टाइप डिस्क था उसका सेकंड लिस्ट आइटम है लोटस. उसके बाद मैंने एक और लोटस के अंदर एक और लिस्ट यूज की UL, जिसका टाइप मैंने सर्किल दे दिया. और उसका लिस्ट आइटम रेड लोटस, वाइट लोटस, पिंक लोटस. आफ्टर दैट क्लोज द UL टैग. ओके, देन क्लोज अदर UL टैग. जो सबसे पहले स्टार्टिंग में UL लगाया था H3 के बाद, वो हमने क्लोज कर दिया. और फिर H3 टैग जो है हमारा हेडिंग टैग है उसे क्लोज कर दिया. और बॉडी टैग को क्लोज किया, देन HTML को क्लोज किया. ये सब क्लियर है? ये कोडिंग आप नोटपैड में राइट करेंगे, इसे कॉपी में लिख लेना, ठीक है, रफ नोटबुक में लिख लेना. ओके, तो इसे फिर आप जब कोडिंग को रन कराएंगे, तो रन कराने से पहले आप इस कोडिंग को सेव करेंगे फाइल नेम के साथ. किसी भी को भी फाइल नेम दे देना .html. ओके, जब इसे आप रन कराएंगे, ओपन करेंगे इसे वेब ब्राउज़र में, तो आउटपुट जो होगा, आउटपुट विल बी, आउटपुट कैसा आएगा? दिस टाइप यूज ऑफ नेस्टिंग अनऑर्डर लिस्ट. यही हमने यूज़ किया था, यूज़ ऑफ नेस्टिंग लिस्ट. सबसे पहले लिखा था H1 में, फिर लिया था हमने नेम ऑफ फ्लावर्स. नेम ऑफ फ्लावर्स आ गया. फर्स्ट लिस्ट थी हमारी रोज, उसका लिस्ट आइटम सेकंड था लोटस. दोनों अलग अलग आ रहे हैं. ओके, डिस्क में आ रहे हैं. और स्क्वायर में क्या दिया था? रेड रोज, येलो रोज, पिंक रोज. इसके आगे स्क्वायर बना हुआ आ रहा है. और जो लास्ट में फिर हमने सर्किल में जो दिया था उसमें रेड लोटस, वाइट लोटस, पिंक लोटस दिया था. ये क्लियर है? तो जो कोडिंग आपने लिखी थी
उसका ये आउटपुट है, ये आउटपुट आपके पेज पे शो हो जाएगा। मैंने जो बीसी कलर यूज़ किया था वो येलो किया था, तो जो मेरा वेब पेज है उसका कलर कैसा आ रहा है, येलो आ रहा है। ओके, आप जिस कलर को यूज़ करोगे उस कलर का बैकग्राउंड आएगा। और देन इफ यू हैव एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन देन कॉल मी एंड आस्क मी। ओके, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ओके, डन। नेक्स्ट सेकेंड टाइप इज नेस्टिंग ऑफ ऑर्डर लिस्ट। ओके, इससे पहले जो टाइप था हमारा नेस्टिंग ऑफ अनऑर्डर लिस्ट था, वो क्लियर हो चुका है टॉपिक। अब ये सेकेंड टाइप को हम क्लियर करते हैं। ओके, तो डिस्कस आर एग्जाम्पल, राइट एन एस्टिमेट कोड शोइंग नेस्टिंग ऑफ ऑर्डर लिस्ट। ओके, हमें यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट का यूज करना है। सॉल्यूशन इज दैट, ये जो कोडिंग आपको लिखी है ये भी आपको रन करनी है। कंप्यूटर्स में नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड में ये कोडिंग जो आपको दिख रही है ये राइट करनी है और उसे सेव करना है किसी फाइल नेम के साथ। फिर उसके फाइल नेम के बाद डॉट एस्टिमेट जरूर लगाना है, वो वेब ब्राउजर में आएगा। ओके, फिर वेब ब्राउजर का आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओके, कोडिंग में आप एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप एस्टिमेट राइट करेंगे, देन हेड, टाइटल, टाइटल में जो भी आपको राइट करना है वो आप टाइटल में राइट करेंगे। ओके, टाइटल क्लोज करेंगे, उसके बाद हेड क्लोज करेंगे। ओके, देन यूज बॉडी टैग, बेसिक कलर येलो, आप जो भी कलर देना दे सकते हैं। सेम सिमिलर कोडिंग है जैसे पहले जो मैंने आपको बताया था, सेम उसी की तरह है। H1 यूज़ ऑफ नेस्टिंग ऑर्डर लिस्ट, मैंने वहाँ अनऑर्डर लिखा था, यहाँ ऑर्डर लिस्ट कर दिया है। H1 में मैंने नेम ऑफ फ्लोवर्स लिया है, सेम एग्जाम्पल रखा है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको कहीं डाउट क्लियर ना हो, आप इजी से वर्क कर सकें। जब एक बार आप कोडिंग सीख जाएंगे, मेथड सीख जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छे से उसे कोडिंग कर सकते हैं। ओके, या S3 में मैंने कौन सा टैग यूज़ किया, OL। OL का टाइप क्या दे दिया मैंने, 1। ठीक है, जो फर्स्ट लिस्ट है मेरी यहाँ OL, उसका फर्स्ट लिस्ट आइटम है रोज और सेकंड लिस्ट आइटम क्या है, लोटस। क्लियर है, जो फर्स्ट लिस्ट आइटम है LI रोज, उसके अंदर मैंने एक और लिस्ट बनाई है OL, जिसका टाइप मैंने क्या दे दिया, A। ओके, अपर केस लेटर किससे स्टार्ट होगा, A से स्टार्ट होगा, और फर्स्ट उसका जो टाइप A का लिस्ट आइटम LI है रेड रोज, सेकेंड LI लिस्ट आइटम है येलो रोज, एंड थर्ड LI लिस्ट आइटम है पिंक रोज। क्लियर है, जो हमारी फर्स्ट लिस्ट है उसका फर्स्ट LI है रोज, और उसके अंदर जो लिस्ट है जिसका टाइप A है उसके 3 लिस्ट आइटम है। ओके, देन क्लोज द OL टैग। नेक्स्ट LI लोटस, उसके अंदर एक और लिस्ट बनाई मैंने OL टैग, यहाँ मैंने टाइप क्या दे दिया है, लोअर केस लेटर A दे दिया है, जैसे हमारा टाइप स्मॉल लेटर में आएगा ABCD में। ओके, फर्स्ट LI इसका रेड लोटस, एंड सेकंड वाइट लोटस, एंड थर्ड पिंक लोटस। क्लियर है, आफ्टर दैट क्लोज द OL टैग, देन क्लोज द फर्स्ट OL टैग। तो OL टैग जो यहाँ पर क्लोज आपको देख रहे हैं वो तो OL फर्स्ट जो क्लोज किया है मैंने वो OL टाइप स्मॉल A के लिए किया, क्लोज किया है। ये वाली जो लिस्ट थी वो क्लोज हो गई, उसके बाद जो OL टैग क्लोज हो रहा है वो जो S3 के बाद ऊपर जो टाइप 1 मैंने लिखा है वो वाली लिस्ट मैंने यहाँ पर क्लोज की है। उसके बाद S3 को क्लोज कर दिया हेडिंग टैग को, एंड फिर बॉडी टैग को क्लोज कर दिया है, और उसके बाद HTML को क्लोज कर दिया है। ओके, कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई, जो ये कोडिंग आपको दिख रही है आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में लिखनी है, उसके बाद इसको रन करना। ओके, जो आउटपुट आएगा मैं आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ, आउटपुट बिल भी आउटपुट कैसा होगा। ओके, इस टाइप से आउटपुट आएगा, सबसे पहले जो आपने राइट किया था यूज ऑफ नेस्टिंग ऑर्डर लिस्ट ये आ जाएगा, फिर नेम फ्लोवर्स, और जो मैंने लिस्ट आइटम का फर्स्ट टाइप दिया था 1 and 2 रोज और लोटस, ये दोनों आ गए। अब फर्स्ट रोज के अंदर जो एक और लिस्ट बनाई थी मैंने अपर केस लेटर में ABC वो वाला टाइप से हो रहा है, और उसके सेकेंड वाला जो लोटस है उसके अंदर एक और लिस्ट बनाई थी स्मॉल लेटर में ABC वो शो हो रहा है। क्लियर है, तो ये कौन से कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया, नेस्टिंग ऑर्डर लिस्ट। जो वेब पेज का कलर मैंने येलो दिया था तो इसमें वेब पेज का कलर येलो आ रहा है। ओके, तो ये आपका प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करने इफ यू हैव ए कंप्यूटर एट होम देन राइट ए प्रोग्राम एंड रन इट। ओके, इसे अभी फेयर नोटबुक में नहीं करना है, फेयर नोटबुक के लिए मैं PDF सेंड करूँगा आफ्टर द चैप्टर कंप्लीट। ओके, एंड लास्ट थर्ड टॉपिक इज कंबाइनिंग एंड नेस्टिंग ऑफ ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। ओके, ये लास्ट है,
तो लेट अस डिस्कस आवर एग्जांपल. राइट एन एचटीएमएल कोड शोइंग कंबाइंड एंड नेस्टिंग ऑफ ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट. सॉल्यूशन इज दैट. ओके, ये कोडिंग आपको देख रही है, ये सिमिलर कोडिंग है जो आपको राइट करनी है. ओके, इससे पहले मैंने जो अनऑर्डर लिस्ट यूज़ की थी, फिर ऑर्डर लिस्ट यूज़ की थी, और इस कोडिंग में मैंने दोनों को एक साथ यूज़ किया है, कंबाइंड कर दिया है. मैं कोडिंग को एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, सबसे पहले हम राइट करेंगे एचटीएमएल, उसके बाद हेड, टाइटल, टाइटल को क्लोज कर देंगे, फिर हेड क्लोज कर देंगे. आप बॉडी में बेसिक कलर, जो भी आपको कलर है, बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो. H1 मैंने यहाँ पर दे दिया है, कंबाइनिंग एंड नेस्टिंग ऑफ ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट. आफ्टर दैट क्लोज H1 एंड नेक्स्ट H1 में मैंने एडिंग दिया नेम ऑफ फ्लोवर्स. H3 OL टाइप इज इक्वल टू A. यहाँ पर जो मैं फर्स्ट लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ वो है ऑर्डर लिस्ट, उसका टाइप मैंने क्या दे दिया, अपर केस लेटर A. देन उसका जो फर्स्ट LI है वो रोज है. उसके बाद जो मैंने UL टैग यूज़ किया है, UL टैग किसके लिए यूज़ किया, अनऑर्डर लिस्ट के लिए. टाइप क्या दे दिया, स्क्वायर. उसके थ्री लिस्ट आइटम है. फर्स्ट LI मेरा रेड रोज, सेकेंड LI येलो रोज, एंड थर्ड LI पिंक रोज. क्लियर है? जो फर्स्ट लिस्ट थी उसका जो फर्स्ट LI के अंदर जो एक और लिस्ट थी UL, वो मैंने UL क्लोज कर दी है. सेकेंड LI है लोटस, उसके अंदर एक और लिस्ट बनाई मैंने अनऑर्डर लिस्ट, जिसका टाइप मैंने दे दिया सर्किल. ओके, और उसका लिस्ट आइटम है रेड. फर्स्ट लिस्ट आइटम में मैंने राइट किया है रेड लोटस, सेकेंड लिस्ट आइटम है वाइट लोटस, एंड थर्ड में पिंक लोटस. आफ्टर दैट क्लोज द UL टैग. ओके, और जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग की थी ओल्ड टैग थी उसे क्लोज कर दिया. H3 क्लोज है. इस कोडिंग को आप सेव करेंगे एंड देन राइट द आउटपुट विल बी दिस. इस टाइप से आपका आउटपुट होगा कंबाइनिंग एंड नेस्टिंग ऑफ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर लिस्ट नेम ऑफ फ्लोवर्स. देखिए इसमें AP जो हमने ऑर्डर लिस्ट यूज़ किया था रोज आ रहा है. उसके थ्री लिस्ट आइटम है रेड रोज, येलो रोज, पिंक रोज, जो कि अनऑर्डर में है. सेकंड लिस्ट आइटम उसका भी ऑर्डर में आ रहा है, उसमें लोटस लिखा हुआ आ रहा है. उसके भी थ्री लिस्ट आइटम है रेड लोटस, वाइट लोटस एंड पिंक लोटस. तो ऑल स्टूडेंट प्लीज राइट दिस कोड एंड रन. ओके, इस कोड को लिखें और रन कराएं. कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देन आस्क मी. ओके, इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, नॉट थॉटिकल. सो अगर आप इसे प्रैक्टिकली जितना कर लेंगे तो आपके लिए क्लियर रहेगा. ओके, नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अ चैप्टर 3rd लास्ट टॉपिक. ओके, फॉन्ट, बेस फॉन्ट एंड सेंडर टैग, ये लास्ट टॉपिक है. इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा. इससे पहले कि कुछ मैंने टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, कुछ सुनिश्चित ने क्लियर कर दिए थे. ओके, उसके बाद मैं PDF फाइल में क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, जो कि आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है. ओके, तो थैंक्स टू ऑल फॉर विजिट हियर. प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. ओके, हैव अ नाइस डे. आज का जो आपका होमवर्क है, मैं रिगर रिपीट कर रहा हूँ, होमवर्क आपका यही है जो मैंने आज की वीडियो में दिया है, उसे आपको करके देखना है. ओके, और अपनी तरफ से भी कुछ प्रोग्राम आप बना सकते हैं. ओके, डन.